हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ओसाइट फ्रीजिंग या एग फ्रीजिंग के बारे में। क्या आपकी उम्र बढ़ रही है? आर यू अप्रोचिंग 35 इयर्स, 35 के बियॉन्ड हो रही है एज एंड यू आर स्टिल नॉट प्लानिंग फॉर प्रेगनेंसी या मैरिज? इन केस इट इज लाइक दैट, तो शायद आपको ये भी चिंता हो रही होगी कि आगे चल के प्रेगनेंसी या चाइल्ड बर्थ में कोई दिक्कतें नहीं आए। अगर आप ये सब सोच रहे हैं तो ओसाइट फ्रीजिंग, एग फ्रीजिंग इज वन ऑफ द ऑप्शंस फॉर यू। अब व्हाट इज एग फ्रीजिंग या ओसाइट फ्रीजिंग? ओसाइट फ्रीजिंग बेसिकली एक टेक्निक है जिसके जरिए आपकी बॉडी में से या आपके ओवरीज में से एग्स को निकाल लिया जाता है और इनको लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर कर दिया जाता है या फ्रीज कर दिया जाता है। अब हाउ डज एग फ्रीजिंग टेक प्लेस, कैसे होता है एग फ्रीजिंग? एग फ्रीजिंग के इनिशियल स्टेप्स आर जस्ट लाइक दैट ऑफ एन आईवीएफ प्रोसेस, क्योंकि एग फ्रीजिंग के लिए आपके एग्स को बनाने के लिए या बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको कुछ इंजेक्शन दिए जाते हैं सो एज टू आपकी ओवरीज को स्टिमुलेट करने के लिए कि वो अंडों का या एग्स का प्रोडक्शन स्टार्ट करें। जब ये एग्स मच्योर हो जाते हैं तो इनको बॉडी से रिट्रीव आउट कर लिया जाता है, बाहर निकाल लिया जाता है। एंड वंस दे आर टेकन आउट ऑफ योर बॉडी, इनको कुछ केमिकल्स में डालकर जिनको कि क्रायो प्रोटेक्टेंट्स बोला जाता है, इनमें डालकर डिप करके उसके बाद इनको लिक्विड नाइट्रोजन में जिसका तापमान ऑलमोस्ट -196 डिग्रीज पे रहता है इसमें स्टोर कर लिया जाता है। एंड देन लेटर ऑन व्हेन यू आर प्लानिंग प्रेगनेंसी यू कैन एक्चुअली गेट दीज एग्स आउट ऑफ दोज लिक्विड नाइट्रोजन टैंक्स और उसके बाद इक्सी के जरिए स्पर्म के साथ मिलाकर एम्ब्रियो बनाकर दे कैन बी ट्रांसफर्ड बैक इन योर यूट्रस सो एज टू हैव प्रेगनेंसी एट अ लेटर एज। नाउ हु ऑल शुड कंसिडर एग फ्रीजिंग? अगर आप किसी कारण से अपनी मैरिज या प्रेगनेंसी डिले कर रही हैं एंड यू आर अप्रोचिंग 35 ईयर्स, 37 ईयर्स एंड यू आर वरिड कि आगे चल के प्रेगनेंसी में दिक्कतें आएंगी, करियर इश्यूज हो सकते हैं, सोशल इश्यूज हो सकते हैं डिले इन मैरिज या प्रेगनेंसी के, तो इन दैट केस यू कैन कंसिडर एग फ्रीजिंग। Secondly, egg freezing is a very good thing. I would say it's a boon for patients who are actually suffering from cancer. Females जो cancer से suffer कर रही हैं, जिनको chemotherapy या radiotherapy मिलना है, chemotherapy and radiotherapy actual में they are damaging to the ovaries. आपकी ovaries को वो damage करती हैं, जिस कारण से ovaries का reserve या अंडों की मात्रा कम हो जाती है ovarian tissue में। So in all those patients who are considering chemotherapy or radiotherapy for cancer, they can consider egg freezing prior to these treatments. And yes, in case आपकी family history में कुछ ऐसा है कि आपकी family में बहुत early menopause किसी को आ गया था या family में कोई ऐसा disease run कर रहा है जिस कारण से early menopause देखा जाता है आपकी family की females में, in those cases also you can consider egg freezing. So friends, in case you are approaching beyond your बियॉन्ड एज 35 पे अप्रोच कर रहे हैं और आपकी एज फटाफट से बढ़ रही है, आप अपने करियर को लेकर बहुत चिंतित हैं एंड स्टिल यू आर नॉट प्लानिंग प्रेगनेंसी, तो डेफिनेटली एग फ्रीजिंग इज वन काइंड ऑफ थिंग विच कैन बी कंसिडर्ड। फॉर एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट सोनाक्षी IVF हिसार, माई सेल्फ डॉक्टर पूजा देव भयाना, कंसल्टेंट सोनाक्षी IVF। And you can visit my web page, you can visit my Facebook page, you can ask me directly your questions on my WhatsApp.